अनदर अमेजिंग ब्लॉग। एंड सबसे पहले तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आज है पहला रोज़ा और मेरा भी रोज़ा है आज। सो यस, अभी होने वाला है टारगेट टाइम और आज मुझे इतना रोज़ा नहीं लग रहा। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, वरना आज मुझे इतना रोज़ा नहीं लग रहा, मतलब जैसे ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है। खैर एनीवेज पहला रोज़ा है तो अभी मैं, जैसे कि आपको पता है, हर साल मम्मा के साथ जो है किचन में काम शाम करवा रही होती हूँ। पिछले साल की भी आप अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे और बहुत इंजॉय भी करे होंगे। सो अभी यस, अभी वही हमेशा की तरह मेरी रूटीन शरबत वगैरह बनाने की। यहाँ पे जगबग रेडी हो चुका है एंड केचप वैचअप भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, रमज़ान की स्पेशल चीज़ें, चाट मसाला एंड सब कुछ आ गया था। सो खैर एनीवेज, अब जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ क्योंकि इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, 6 बज गए और 6:30-7 बजे तक इफ्तार होने वाली है। तो जल्दी जल्दी करती हूँ सारी चीज़ें। सो यस फ्रेंड, लगी वगैरह आने लगी हूँ शरबत, तो जल्दी जल्दी मैं शरबत वगैरह बनाती हूँ। और पे बेसन वगैरह रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने दही वगैरह भी जो है वो फेंट ली थी, मसाला मसाला डल गया था इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दही बड़े बन चुके हैं, मेरे क्या मतलब ये बन चुके हैं दही बड़े, शरबत भी तकरीबन बन चुका है, पकौड़े जो है मम्मा प्रोसेस पे बन रहे हैं पकौड़े अभी, और बस इफ्तार होने ही वाली है तो मैं जल्दी से रोज़ा खोलूँगी बिकॉज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भूख और प्यास तो नहीं लग रही, बस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा पेट बहुत खाली रहता है तो मेरे पेट में दर्द होता है, तो बस वही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब तो ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी अजाने वगैरह हो रही हैं और अभी मैं जो है वो वहाँ पे मैंने ताई वगैरह भी लगा रही हूँ, मतलब जो जो बनता जा रहा है वो मैं लगाती जा रही हूँ। और यस, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी सारी तारी रेडी हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। मैंने सबकी प्लेट ग्लास सब कुछ सेट करके रख दिया प्रॉपरली। सो अब इफ्तारी करते हैं, देन आपसे मिल। तो फ्रेंड्स, रोज़ा वगैरह खोल लिया था मैंने और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोज़ा गुजरा मेरा आज का। और यस, तो मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी, अभी 9 बज गए हैं और मैंने इशा की नमाज़ भी मैं पढ़ के अभी जस्ट बैठी हूँ। यहाँ पे मैं पी रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना शरबत बिकॉज मैं एक साथ इतना कुछ नहीं पीती ना, तो फिर मैंने कहा मैं अभी अपना शरबत पी लेती हूँ। एंड यस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा हुआ होगा। सो फ्रेंड, मैंने तार वगैरह कर ली थी और सब कुछ कर लिया था एंड अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए बिकॉज मेरा कल पेपर भी है, तो सैरी में उठूँगी एंड उसके बाद सीधा फिर पेपर की तैयारी वारी करेंगे एंड फिर सो जाऊँगी स्कूल जाऊँगी। सो यस, इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में एंड आप लोग भी अपने रोज़े अच्छे से गुजारें, इन्जॉय करें एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।